दर्शकों नमस्कार, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। वाराणसी उत्तर प्रदेश सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन से जुड़ा एक पहलू, गुरु रविदास महाराज जी का प्रथम उपदेश स्थल, ये जो आप स्क्रीन पे असत टीवी की देख रहे हैं, संत महापुरुष योगी तपस्वी संत भारत भूषण दास जी महाराज जी के आश्रम में सेवा दे रहे हैं, संत मुनिदास जी। ये स्थान जो आप देख रहे हैं श्री गुरु रविदास उपदेश स्थल, महाराज जी से अभी आपकी बातचीत भी कराएंगे, पहले इस स्थान का आप अवलोकन कीजिए आशा टीवी के माध्यम से। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्रथम उपदेश स्थली बताई गई है। कहते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी और संत मीराबाई जी की पहली भेंट, पहला ज्ञान गोष्ठी इसी स्थान पे हुई थी। ऐतिहासिक पहलू है, संत मत के अनुसार मीराबाई जी पहली बार जब संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी से मिली थी तो मीराबाई जी ने अपना परिचय दिया था कि हे गुरुजी, मैं मीरा, मैं दागिन कहकर संत शिरोमणि को अपना परिचय संत मीराबाई जी ने दिया था, जो कि राजघराने से संबंधित थी। इसी स्थान को तब से मैदागिन नाम से पुकारा जाता है। इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि काशी नगरी के महान संत संत शिरोमणि श्री गुरुदास महाराज जी ने मैदागिन चौक के नाम से, मैदागिन चबूतरे के नाम से, ये ऐतिहासिक चबूतरा कहा जाता है वाराणसी बनारस काशी जी का, ये धरती है सतगुरु रविदास महाराज जी की, संत कबीर साहब जी की। यहाँ पर मैदागिन चौक पे मीराबाई जी को दर्शन दिया, उपदेश दिया, जिससे मीरा भी अमर हो गई और उनकी जीवन भी अमर हो गया संतों की शरण आकर। इसका क्या महत्व है बताइए गुरु जी। मीरा गुरु जी का मेन स्थान है और यहाँ मीराबाई करके नामदान दीक्षा ग्रहण की है। जी 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 बताइए महाराज जी। इसलिए इसका नाम मैदागिन पड़ा है और इसी से मीराबाई के आने से, यहाँ नामदान दीक्षा लेने से इस स्थान का नाम मैदागिन पड़ा है। गुरु जी आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, किस नाम से और किस महापुरुष के सानिध्य में आप काम कर रहे हैं? हम संत मुनि जी महाराज हैं और गुरु रविदास जन्म स्थान सेवा आचार्य भारत भूषण जी के आचार्य अधीन हम यहाँ। आपका नाम मुनिदास जी? हाँ मुनि महाराज जी। महाराज जी तो ये कब स्थापित हुआ, अभी पुनर्निर्माण कब हुआ है? पुनर्निर्माण जो है कि 2015 में। अच्छा ठीक है, 2015 में इसको इस स्थान पे सतगुरु रविदास जी कार्य चला है और 17 में। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी, इस रविदासिया कौम को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं अभी दर्शन करा रहा हूं आपको ऐतिहासिक स्थल के, तो दर्शन कीजिएगा और जब भी आपको वाराणसी की धरती पर, काशी बनारस की धरती पर आने का मौका मिले तो आप इस ऐतिहासिक जगह के अवश्य दर्शन कीजिएगा, क्योंकि अपने इतिहास का पता होना बहुत लाजमी है। जिन कौमों को अपने इतिहास की जानकारी है वो जिंदा रहते हैं,
और जो कौम जो जातियाँ अपना इतिहास भूल जाती हैं वो दुनिया के नक्शे से मिट जाती हैं। तो देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर चित्रकारी भी हुई है मैं दागिन चौक। महाराज जी इस जगह पे आने के लिए कैसे आना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से अगर कोई आना चाहे तो? कैंट से सीधा मैदान के लिए है। कैंट वाराणसी कैंट से सीधा मैदान के लिए ऑटो वगैरह मिल जाता है। कितनी देर का रास्ता है ये वहाँ से? 15 मिनट का रास्ता है जी। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा टीवी के दर्शकों, तमाम भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, जो लोग धर्म कर्म में आस्था रखते हैं, घूमने के यात्रा के शौकीन लोग जो भी हैं, क्योंकि ये हम उस धरती पे खड़े हैं जिसको काशी नरेश की धरती कहा जाता है। काशी नरेश का भाव सभी जानते हैं कि काशी वाराणसी बनारस किनकी धरती है, इसका क्या महत्व है। गंगा माता यहाँ विराजमान है। भक्ति काल के दो महान रहबर सतगुरु कबीर जी, जगत गुरु रविदास पिताजी और आदि देव महादेव माँ गंगा, बहुत सारे संतों महापुरुषों देवी देवताओं का इस धरती को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और वर्तमान काल में हम बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के पालक हैं। जैसा कि संतों महापुरुषों ने मुनि जी ने बताया कि इस स्थान पर आने के लिए वाराणसी कैंट से ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो जो लोग वाराणसी आते हैं इस स्थान का भी अवलोकन करके जाएं। श्री गोवर्धनपुर में सतगुरु रविदास जी का जन्म स्थान है, वहाँ आप लोग अगर आ रहे हैं सतगुरु कबीर साहब जी के जन्मस्थली के दर्शन लहर तारा अगर आ रहे हैं, विश्वनाथ जी के दर्शन करने अगर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी रमणीक सुंदर जगह है, इसके भी दर्शन आप करें। देखते रहिए इन्हीं ऐतिहासिक सुंदर जानकारियों के साथ। मैं मनीष नाफरे, आशा टीवी संवाददाता, मैदागिन चौक, बनारस उत्तर प्रदेश से वाराणसी की धरती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सफ़र को क्षणिक विराम दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, धन गुरु रविदास जी, सतनाम 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 जी।